Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swasth Siddhant Lessons prepared by R.Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R.Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे जीवन की त्रुटियों को ढूंढ करके निकालता है और हमारी गलतियों को स्पष्ट दर्शाता है और साथ ही साथ यह भी सिखाता है कि क्या सही है और क्या उत्तम है। हमारे विषय भी मसीही जीवन के मूल सिद्धांतों पर ही आधारित है, इसीलिए इस कार्यक्रम को सुधारने वाली शिक्षा कहा जाता है। बीते 6 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है नेतृत्व करना, अगुवाई करना, और अब तक हम सीख चुके हैं इसके अंतर्गत 6 पाठ। हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे ना करें। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप। पहला पाठ था कि अगुवा होने के लिए लालसा न करें। लेसन नंबर 2 डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल। दूसरा पाठ था कि अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लेसन नंबर 3 वॉज डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल। तीसरा पाठ था कि लोगों का शोषण न करें। लेसन नंबर 4 वॉज डू नॉट प्रमोट योर सेल्फ। चौथा पाठ था कि अपने आप को ही बढ़ावा न दें। लेसन नंबर 5 वॉज डू नॉट शो पार्शियलिटी। पांचवा पाठ था पक्षपात न करें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 6 एंड दैट वॉज डू नॉट गो आफ्टर मनी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था और वह था कि धन की अभिलाषा न करें। टुडे विल बी लर्निंग द 7th लेसन। आज हम लोग 7वां पाठ सीखने जा रहे हैं। हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे ना करें। डू नॉट बी अ लोनर, अकेले ही सब कुछ न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे ना करें। लेसन नंबर 7 डू नॉट बी अ लोनर। 7वां पाठ है अकेले ही सब कुछ न करें। प्रियो, कुशल और सफल अगुओं में एक प्रवृत्ति होती है, या मैं कहूंगा प्रलोभन भी होता है, कि वे सारी बातों को अकेले ही अकेले करते रहें। परंतु यह बाइबल आधारित बात नहीं है। बाइबल हमें मिल करके रहना सिखाती है, मिल करके कार्य सिखाती है। यहां तक कि अगर आप अगुए भी हैं तो आपको मिल करके कार्य करने के लिए बाइबल सिखाती है। चलिए आरंभ करते हैं परमेश्वर स्वयं से कि, और परमेश्वर जो है उसे हम त्रैक परमेश्वर कहते हैं, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों भी अपने आप में सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी अकेले अकेले कार्य नहीं करते, परंतु तीनों आपस में मिल करके कार्य करते हैं। मैं बाइबल से कुछ उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जहां सृष्टि का वर्णन है, 6वें दिन की बात है, 26वें वचन में आइए देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सृष्टि के 5 दिन हो चुके हैं, पृथ्वी भर चुकी है, अब केवल मनुष्य का बनाना बाकी है। 26वां वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम, ये हम शब्द जो है इसमें परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा शामिल हैं। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं।
यहां पर ऐसा लगता है कुछ लोग मिल करके काम कर रहे हैं और हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो मिल के काम करना करा है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आइए, यहां पर एक मीनार बन रही है और कुछ लोग स्वर्ग तक पहुंच जाना चाहते हैं और वहां पर यूं लिखा है, मैं 11वें अध्याय का 7वां वचन पढ़ता हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है, आओ हम उतर करके उनकी भाषा में भिन्नता डाल दें। परमेश्वर कह रहा है आओ, यानी वो किसी से कह रहा है, उसके साथ में कोई है, आओ हम मिलकर नीचे जाएं, उतर के आएं और उनकी भाषा में भिन्नता को लेकर आएं। परमेश्वर मिलके कार्य कर रहा है। उसी तरह से अगर आप मिशन कार्य की बुलाहट को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ में खोलिएगा यशया नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में, जहां पर सेवा करने के लिए यशया को बुलाहट दी जा रही है। बड़ा सुंदर दृश्य है, स्वर्ग का सिंहासन है और वहां की बातों का वर्णन, लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं 8वें वचन की ओर। यहां पर देखिए, यशया ये शब्द सुन रहा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। सेवा के लिए जो बुलाहट भी है, ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा दे रहा है। परमेश्वर मिल करके कार्य करता है। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, डू नॉट बी अ लोनर, अकेले ही सब कुछ करने की इच्छा ना रखें, कोशिश ना करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर आप देखें, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसके 29वें वचन को। 8वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मैं जो हूं मेरे साथ मेरा भेजने वाला भी है, मैं अकेला नहीं हूं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु के जीवन काल की सारी बातें इस प्रकार से बीती हैं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा और उसी को प्रसन्न करने के लिए उसके साथ में मिलकर के वो ये कार्य करता जाता है। मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो है मनुष्यों का उद्धार। और मैं आपको इफिसियों के पत्री में से ये बात बताना चाहता हूं, यदि आप पहले अध्याय को गौर से पढ़ेंगे तो आप उसके 4वें वचन में पाएंगे कि उद्धार का जो कार्य है ये वास्तव में शुरू होता है परमेश्वर पिता के कारण। ये जो उद्धार का आरंभ है, उसके बाद में उद्धार का जो कार्य है वो किसने किया है, वो कलवरी पर हुआ है, क्रूस पर हुआ है, अर्थात परमेश्वर पुत्र ने यह उद्धार का कार्य संपन्न किया। यह आपको इफिसियों के पहले अध्याय 7वें वचन में मिलेगा। और फिर उसके बाद इफिसियों पहले अध्याय के 13वें और 14वें वचन में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उद्धार पर अपनी मुहर लगा दी है। तो परमेश्वर द्वारा या परमेश्वर पिता द्वारा मैं कहूं, उद्धार का काम आरंभ हुआ। यह है 4वां वचन, परमेश्वर पुत्र द्वारा उद्धार का कार्य संपन्न हुआ। 7वां वचन, और उद्धार के इस कार्य पर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मुहर लगी है। ये 13वें और 14वें वचन में हम पाते हैं, उद्धार का संपूर्ण कार्य परमेश्वर द्वारा हुआ, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। मसीह विश्वासियों का जो विशेषाधिकार है, फिर एक बार यूहन्ना में चलिए, उसके 14वें अध्याय के 23वें वचन में से बताता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। विश्वासियों के लिए कितना बड़ा वचन है, परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा है कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मानने लगा है, जो मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम आकर के उसके साथ में रहेंगे, उसके साथ में वास करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ में आकर के रहने की जो बात है, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पालन करते हुए, यीशु मसीह से प्रेम करते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के आज प्रभु के नाम से अगुए निकले हैं। यही बात है जो परमेश्वर सिखा रहा है कि तुम जो आज कार्य कर रहे हो, ये परमेश्वर
त्रिएक परमेश्वर के द्वारा संभव हो पा रहा है, इसलिए इसी गुण को आगे बढ़ाना है। प्रत्येक अगुवा ध्यान में रहे, अकेले ही सब कुछ नहीं करना है, परंतु मिल करके हमको सारे कार्य करना है। और फिर अगर समाप्ति की ओर देखें, अंतिम विजय की ओर आपको ले चलता हूं, प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में से देखते हैं, 34 और 35 वचन को देखें। दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु से कह रहा है कि मेरे दाहिने बैठ जा जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। बाइबल लगातार हमें यही सिखा रही है, मिल करके कार्य करना है। नए नियम में अगुवाई जहां जहां पे मुझको नजर आती है, नित्य ही बहुवचन में नजर आई है। उदाहरण के लिए आप प्रेरितों की मंडली को देख सकते हैं। इसके लिए आप प्रेरितों के कार्य 14वें अध्याय में देखें, 14वां वचन, वहां पर पौलुस और बर्नबास दोनों मिलकर के कार्य करने के लिए आगे निकले हैं। उसी तरह से पौलुस और सिलास का भी वर्णन हमको मिलता है प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में, मिलकर के परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। यहूदा और सिलास के बारे में भी लिखा है कि ये भविष्यवक्ताओं की मंडली, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय और 32वें वचन में देखिए, मिल करके काम कर रहे हैं। चाहे वो प्रेरिताई का कार्य हो, चाहे भविष्यवाणी और सुसमाचार प्रचार के कार्य का हो, वैसे ही शिक्षकों की मंडली के लिए प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय और उसके पहले ही वचन में देखिए, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। बहुत सारे हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, उपदेशक भी है, बहुत सारे हैं, पर मिल के कार्य करते थे। उनके नाम तक दिए हुए हैं, बर्नबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाउल। ये सारे लोग एक ही शहर में हैं जहां पर लोग पहली बार मसीह कहलाए थे, यहां से मिल करके ये लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर की यही इच्छा का पालन करते हुए कि मिल करके काम करना है। उसी प्रकार से प्राचीनों का भी समूह होता था, जैसे कलीसियाओं में पास्टर्स हैं, चरवाहे हैं, उनके लिए भी प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय में अगर आप देखें, उसके 17वें वचन में, यहां पर इफिसुस के प्राचीनों के लिए, यहां पर पौलुस प्राचीनों को बुला रहा है उस नगर के, इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, एक स्थान के कई प्राचीनों को, मतलब ये मिल करके रह रहे थे, उनको साथ में बुलाता है और उनको कुछ बातें समझा रहा है। कह रहा है, अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर का यह अद्भुत काम अगुओं को जो मिला है, मिल करके अगर हम करते हैं तो आसानी होगी। परमेश्वर का वचन हमें बार बार यही कह रहा है, हमें मेल मिलाप के साथ रहना है, कार्य को भी मिल करके करना है। जब प्रभु यीशु मिशनरियों को या सुसमाचार प्रचारकों को भेज रहे थे, उनके 70 चेलों का वर्णन जहां पर है, लूका के 10वें अध्याय में और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त करे, यानी ये 12 चेलों से हट करके 70 और शिष्य हैं, और जिस जिस नगर को और जगह को वो खुद जाने पर था, अपने जाने से पहले वो उनको आगे भेज रहा है, उन्हें दो दो करके अपने आगे भेज दिया। कैसे भेजा? 70 अलग अलग गांव में नहीं भेजा, 35 गांव में भेजा होगा, दो दो करके उनको अपने आगे भेज दिया कि मेरे आगे चल करके तुम आगे का कार्य करो। प्रियो, इन उदाहरणों का यह अर्थ न निकालें कि परमेश्वर का अगुआ कभी भी कोई सा भी काम अकेला नहीं कर सकता। कई बार उसे भी एकांत में रह करके परमेश्वर के आदेश लेने पड़ते हैं और फिर जाकर के मिल करके काम करना है। यानी कुछ प्राप्त कर रहा है परमेश्वर से तो संभव है एकांत में किया, लेकिन जब कार्य करने की बात आती है तो मिल करके करना है। मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए कि निर्गमन की पुस्तक में आप 3रे अध्याय में देखिए, परमेश्वर ने मूसा को जब दर्शन दिया और दर्शन में उसको कार्य भी बताया, तो तब वह पहाड़ पर अकेला था, केवल परमेश्वर और उसके सामने मूसा। लेकिन आप इसी अध्याय में आगे जाएंगे तो परमेश्वर ने ही उसको बता दिया,
अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि तुम पर और तुम में से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया, अब तुम्हें छुड़ाने वाला हूं और सब तैयारी करो कि अब निकलने का समय आ गया। दर्शन मिला जब परमेश्वर का, जब कार्य मिला, जब मिशन मिला, तो एकांत में था और उसके लिए जरूरी था। लेकिन जब कार्य करने के लिए आया तो परमेश्वर ने खुद उसे कहा कि तुझे यह कार्य सबके साथ में मिल करके करना है। उसी तरह से मैं आपको नहेमिया की पुस्तक में भी बताता हूं कि नहेमिया ने भी शहरपना बनाने का काम मिल करके किया, लेकिन परमेश्वर से वो सलाह अकेले में ले रहा था। तो एकांत में रहकर परमेश्वर से बात करके उसकी सलाह लेकर, सामर्थ्य लेकर, युक्तियां लेकर के फिर आगे बढ़ने की बात है। अगर आप गौर करें कि दूसरे अध्याय में 16वें वचन में देखिए, कुछ काम है ऐसा जो वो अकेले कर रहा था। हाकिम ना जानते थे कि मैं कहां गया और मैं क्या करता था, वरन मैंने तब तक ना तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को कुछ बताया, न रईसों को कुछ बताया और न हाकिमों को और न दूसरे काम करने वालों को। केवल परमेश्वर और नहेमिया के बीच की बात थी। उसने जाकर के नगर का सर्वे किया, सारी बातें देख करके आ गया कि कहां पर कैसी कैसी परिस्थिति है। लेकिन उसके बाद में अगर आप 17वें 18वें वचन में देखें, यानी कि तुरंत एकांत से लौटने के बाद में तुरंत, मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो, आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह बनाएं, हम बनाएं, मिलकर के कार्य करना है। और उसकी बातों को सुनकर, योजनाओं को सुनकर और इस बात पर पूरा विश्वास रख करके कि परमेश्वर साथ में है, लोगों ने फिर मैंने उनको बताया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही। तब उन्होंने कहा आओ, अब लोग कह रहे हैं आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, कम लेट अस रिबिल्ड अस, हम लोग मिल करके काम करने की बात यहां पर फिर से एक बार आती है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े समय में एकांत में रहकर परमेश्वर से वो कार्य मांगकर, शक्ति मांगकर फिर मिल करके कार्य करने को निकल पड़ना है। मैं प्रभु यीशु के जीवन में भी ऐसे कई दिन देखता हूं जब यह पाता हूं कि सेवकाई से थोड़ा समय पहले वे कहीं तो भी अकेले निकल जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, घुटनों पर रहते, प्रार्थना करते, सामर्थ्य से अपने आप को भरते और कार्य करने के लिए फिर एक बार लोगों के बीच में आ जाते थे। मेरे साथ में आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 23वें वचन के आगे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां पर अकेला था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ में था। और फिर उसके बाद में अगर आप 25वें वचन में देखते हैं, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, अकेले ही नहीं रह गया, अकेले ही दूर नहीं रह गया, एकांत में ही पड़ा नहीं रह गया, परंतु अपने आप को भर लेने के बाद में फिर एक बार लोगों के बीच में, शिष्यों के साथ में आकर के रहने लगा। मरकुस के पहले अध्याय और उसके 35वें वचन में अगर आप गौर करें, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, अंधेरा ही था, सूर्य उदय के थोड़ा पहले निकल पड़ा और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आगे का वचन कहता है उसके शिष्य लोग और गांव के लोग उसको ढूंढने लगे कि कहां है, कहां है, लेकिन वो ना मिला क्योंकि वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था। लेकिन आप 38वां वचन देखें, उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, मिल करके जाएं, अपने शिष्यों को साथ में लेता है, लोगों को साथ में लेता है और आगे निकल पड़ता है। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में अगर आप देखें और उसके 16वें वचन से आगे, वहां पर भी यही लिखा है कि वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ये उसकी उसकी दिनचर्या बन गई, उसकी हैबिट बन गई कि वो थोड़ा समय एकांत में बिताता था, परमेश्वर के साथ बात करने में बिताता था। लेकिन अगर आप अगले वचन में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो वापस आया, वो भीड़ में चल करके फिर लोगों के बीच में काम करने लगा। प्रियो, ये बात अब स्पष्ट हो गई है
कि हमें मिल करके कार्य करना है। हम जो अगुए हैं, हमको जो भी कार्य, जो भी मिशन परमेश्वर ने दिया है, उस कार्य को हमें अकेले नहीं करना है। आज का पाठ यही कह रहा है कि अकेले ही सब कुछ ना करें। आइए देखते हैं ऐसी कुछ बातें कि अकेले ही सब कुछ करने में क्या खतरा है, क्या जोखिम उठाते हैं हम लोग जब हम कार्यों को अकेले करने निकलते हैं। पहली बात, सभी अगुए अपने में कोई ना कोई कमजोरी जरूर रखते हैं, कुछ ना कुछ कहीं तो भी एक ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु किसी न किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से जरूर रहता है, छोटा ना छोटा क्यों ना हो। हर एक अगुए में कुछ कर दिखाने का भी जुनून होता है, पर कभी कभी जो अकेले रहते हैं वो तीव्र बन जाता है वो जुनून, फिर एक सनक भी होती है और उसमें वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे घातक दोष हमें धोखा दे सकते हैं, हमें नाश कर सकते हैं। प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम मिलकर के ही काम करें ताकि हमारी कमजोरियां जाती रहे। मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और लौदीकिया की कलीसिया को जो लिखा गया है 14 वचन से आगे, वहां पर देखिए मैं यह पाता हूं, लौदीकिया की कलीसिया को दूत को यह लिख, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। तेरे में तू समझता है खूबियां हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं, परमेश्वर की नजरें देख रही हैं, और परमेश्वर की दृष्टि जब मनुष्य पर पड़ी तो लौदीकिया की कलीसिया जो अपने आप को धनवान समझ रही थी वास्तव में बेहद कमजोर पाई गई। वहां पर लिखा है अभागा है, तुच्छ है, अंगाल है, नंगा है, अंधा है, इस प्रकार से परमेश्वर देख रहा है। प्रियो ध्यान रहे, अकेले में जो रहेगा उसके साथ ये विपत्ति आ सकती है। अगर मैं कहीं नंगा निकल जाऊं तो मेरा साथी मुझे तुरंत बताएगा ये क्या है, कपड़े डालो, और उसी प्रकार से मेरे अभागेपन को, मेरे अंधेपन को मेरे अकेले के कारण ठोकर लग सकती है। लेकिन अगर मेरे साथ में कोई है और मुझे धुंधलाई आंखें हो गई है तो भी मैं अपने मंजिल पर जरूर पहुंच जाऊंगा। प्रियो, पहला बात है कि हमें साथ रहने का है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं। दूसरी बात जो खतरे की है, जो अकेले चल पड़ते हैं उनके लिए, अकेले चलने वाले अगुओं को जवाबदेही की शक्ति और सुरक्षितता नहीं होती है। यदि आप अकेले चलने वाले अगुए हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, परंतु मनमाना, कोई है ही नहीं जो आपको रोके, कोई है ही नहीं जो आपको टोके, आप अकेले ही हैं, इसलिए आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जब 4 लोग रहते हैं तो सतर्क करने वाले रहते हैं, गलत जा रहे हैं टोकने वाले रहते हैं, संभालने वाले रहते हैं, और इस प्रकार से हम बचे रहते हैं। मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक से बताता हूं कि साथ रहना बहुत जरूरी है। इसका आप 4:9-10 देखिए, 1-2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो यह बेहद खतरे की बात है अगर हम अकेले कार्य पर निकल पड़े हैं। तीसरे खतरे की बात उसके लिए जो अकेले चलने वाले अगुए हैं, समय के बीतते वे निराशावादी हो जाते हैं। देखिए, अकेले चल रहे हैं, थोड़े समय के बाद थकान आने लगती है, थोड़े समय के बाद आंखें धुंधला जाती है, थोड़े समय तक चलने के बाद साहस में कमी आने लगती है, विश्वास डगमगाने लग जाता है, और फिर कुल मिलाकर यह होता है कि एकत्र न रहने के कारण हम ठंडे पड़ने लग जाते हैं। फिर एक बार सबोपदेशक का 4:11 देखिए, फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है। और ऐसे लोग क्या होता है कि आत्म सहानुभूति में ही मर जाते हैं। आइए चौथा वाला खतरे की बात को देखें, अकेले चलने वाले अगुए जो होते हैं वे कम फल लाते हैं।
कभी कभी तो उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि पहले हम कितने फल ला रहे थे और अभी कितने और अभी कितने और अभी कितने करते करते कितने पर आ गए हैं, इस बात को वो नजर नहीं करते हैं। मैं उदाहरण आपको एक छोटी सी बात से बताना चाहूंगा। आप इस पेंसिल को देखिए, इस पेंसिल को बनाना बड़ा आसान लगता है क्योंकि छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी जो लकड़ी है, इस लकड़ी को किसी लकड़हारे ने जाके जंगल से काट के लाया होगा। फिर इसमें एक ग्रेफाइट का टुकड़ा है, जो खान के मजदूर हैं वो गहरे में उतरते हैं और वहां से खनिजों को निकालते हैं, उसमें से ग्रेफाइट को निकालते हैं। और फिर एक कोने में मैं देखता हूं कि यहां पर रबर है, रबर के उगाने वाले किसान रबर के पौधों में से रबर इकट्ठा करके ये रूप तक लेकर आते हैं। फिर इसके बाद भी और लोग होते होंगे जो इस लकड़ी को ऐसा रूप देते और उसमें यह सीसा डलता और रबर को बांधा जाता और तब जाकर के कहीं ये पेंसिल तैयार होती है। एक इतनी छोटी सी चीज को बनाने के लिए भी लोगों का साथ लगता है, समूह लगता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो एक छोटा सा काम होता है प्रियो। और हम लोग जो परमेश्वर के बड़े काम को करने के लिए निकले हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम अकेला ना करें, मिलकर करें। पांचवी बात, अकेले चलने वाले अगवे तूफान आने पर जब अकेले ही खेते रहते हैं तो थक करके डूब जाते हैं। ध्यान रखिए, सहायता करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत माहिर लोग चाहिए, बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए। साधारण लोग भी आपकी सहायता करने के लिए आ सकते हैं, और जब वे आए तो उनकी सहायता लेने के लिए हिचकिचाइएगा मत। और ऐसा ना समझिए कि बहुत ताकतवर और बुद्धिमान लोग ही साथ में रहें। मैं आपको दाऊद के जीवन से एक बात बताना चाहता हूं। पहला शमूएल और उसके 22वें अध्याय में आइए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुलाम की गुफा में जाकर के पहुंच गया था, और यह सुनकर उसके भाई वहां पर आए और समस्त घराना पिता का वहां पर उसके पास गया। जितने संकट में पड़े थे वे वहां पर आए, जितने ऋणी थे वे भी वहां पर आए, जितने उदास थे वे भी वहां पर आए, और इकट्ठा होकर के और दाऊद उनका प्रधान हो गया। 400 पुरुषों की एक सेना तैयार हो गई वहां पर। हमको किस किस प्रकार के लोगों से सहायता मिलेगी हम अंदाज नहीं लगा सकते। प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में देखता हूं। प्रभु यीशु जानते थे कि मेरे शिष्य कितने कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों के पास में जाकर क्या कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। उनसे मदद मांगता है, उनसे सहायता मांगता है। उसी तरह से पौलुस भी प्रकार से कह रहा है कि वो सबसे छोटा व्यक्ति, पहला कुरंथी और उसके 12वें अध्याय में आकर के आप देखिए और उसके 21वें वचन के पास में यूं लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर का एक एक अंग कोई भी यह नहीं कह सकता कि सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। हर अंग को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। प्रियो, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि ऐसा समय भी आता है जब प्रत्येक अगुए को अपना क्रूस उठा करके चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। मूसा को उसके भाई और उसकी बहन ने जब उस पर दोष लगाया था, मूसा अपने आप को एकदम अकेला सा महसूस कर रहा होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ा। इसके बारे में आप गिनती के 12वें अध्याय में विस्तार से पढ़ना कि मूसा कैसे नम्र मनुष्य था, सारी दुनिया में सबसे नम्र। उसी प्रकार से दाऊद, जब अमालेकियों ने आकर के उनको लूट लिया, सिकलक का नगर पूरा जलाकर राख कर दिया, लोग दाऊद के विरुद्ध ऐसे उठे कि उसे पथरवा करने को मार डालने वाले थे, लेकिन दाऊद ने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा। प्रियो, कभी कभी हमें अपना क्रूस अकेला उठा करके चलना पड़ता है। प्रभु यीशु भी अकेले कष्ट उठाते हुए चले। मत्ती के 26वें अध्याय में गौर करिए, जब वो समय आया तो उसके सारे शिष्य, यहां तक कि वो भी जो उसके साथ मरने को तैयार था, छोड़ करके भाग गए, दूर दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। पौलुस को भी इसी प्रकार से त्याग दिया गया था। दूसरा तीमोथियुस उसके पहले अध्याय और 4वें अध्याय में पढ़िए, लोगों के लिए कह रहा है, मुझको तुमने छोड़ दिया, आसिया वालों ने छोड़ दिया, साथ रहने वालों ने छोड़ दिया। प्रियो, अपना क्रूस उठा करके चलना, हमें एक ऐसा समय मिलता है जब अकेले चलना पड़ेगा। अंत में एक चेतावनी देना चाहता हूं। एक अगुआ स्वयं को तब धोखा दे बैठता है जब उसे लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कष्ट उठा रहा हूं, क्रूस उठा रहा हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं खुद होकर के आपने यह निर्णय लिया और आप अकेले ही चल पड़े हैं। हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे ना करें। डू नॉट बी अ लोनर, अकेले ही सब कुछ करने की न सोचें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आर स्टैनली, नंबर 13,
चर्च कॉलोनी वेलोर 632006 टेलीफोन 0091 9843 7076 00